सबसे बुरा हाल द रियल हीरोज आर जवान्स सो अमेजिंग टेल्स ऑफ हीरोइज्म मोर देन 8,500 जवान्स आर स्पीयर हेडिंग विशाल हिमालय पर्वत की गोद में मौजूद है केदारनाथ। ये छोटा चार धाम यात्रा के चार स्तंभों में से एक है और हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जून 2013 में देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड, जहां केदारनाथ मौजूद है, वहां देश द्वारा झेली गई सबसे विनाशकारी प्राकृतिक त्रासदियों में से एक ने हमला किया। लगातार होने वाली बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने से इस पहाड़ी राज्य की नदियां उभरने लगी और 40,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में जबरदस्त तबाही हुई। 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए, कई परिवार बर्बाद हो गए क्योंकि उनके बेटे, पत्नी और माता पिता गुम हो गए और वो कभी नहीं मिले। केदारनाथ का पवित्र शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि अचानक आई एक के बाद एक दो बाढ़ों ने इसे घेर लिया। इस बर्बादी के बावजूद मंदिर 2 महीनों के लिए सितंबर में फिर से खुला और फिर हमेशा की तरह सर्दियों के लिए बंद कर दिया गया। 4 मई 2014, इस त्रासदी के एक साल बाद इस मंदिर तक पहुंचना एक बार फिर मुमकिन हो गया है, लेकिन एक नए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण रास्ते के जरिए। जोश से भरे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का एक समूह मंदिर को खोलने के समारोह के लिए पहुंचा, लेकिन ये लोग जल्दी ही यहां से चले गए। जो श्रद्धालु बेहद कम तापमान का सामना करके और नए और ज्यादा मुश्किल रास्ते को तय करके यहाँ पहुंचे हैं, बेशक उनकी तादाद कम है, लेकिन वो इस बात का सबूत है कि उनकी आस्था बर्बाद हो चुकी इस घाटी में धीरे धीरे मगर निश्चित ही बहाल हो रही है। अब से पहले वाले बरसों के विपरीत उपयुक्त सुविधाओं के अभाव में श्रद्धालुओं के पास खुले मैदानों में कैंप लगाकर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है और मंदिर के खुलने के समय ये कैंप भी बर्फ से ढक गया। लेकिन सिर्फ एक साल पहले तक किसी ने भी ऐसे दृश्यों की कल्पना नहीं की होगी। मई 2013, मंदिर के दरवाजे हमेशा की तरह उन श्रद्धालुओं के लिए खोले गए जो अपनी देवता की एक झलक पाने को उत्सुक थे। उस समय इस तीर्थ यात्रा का 14 किलोमीटर लंबा रास्ता गौरी कुंड से केदारनाथ तक जाता था और गौरी कुंड तक पक्की सड़क मौजूद थी। इस रास्ते पर ढेरों खच्चर और लोगों को ले जाने वाली पालकियां मौजूद हुआ करती थीं और पैदल चलने वालों और इनके बीच जगह को लेकर मुकाबला चलता रहता था। उस सीजन में लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी। हैदराबाद से आई ऐश्वर्या अग्रवाल भी केदारनाथ आने वाली एक ऐसी ही विजिटर थी। वो उस समय 19 साल की थी और 14 सदस्यों वाले एक ग्रुप का हिस्सा थी जिनमें उनके पिता, माँ और भाई बहन शामिल थे। केदारनाथ जाने का आइडिया मेरी आंटी का था। दरअसल हमें उस साल यूरोप जाना था मगर हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि मेरी आंटी और अंकल को कहीं और जाना पड़ा। तो हमने सोचा कि चार धाम जाना बेहतर होगा क्योंकि बजाय इसके कि तीनों परिवार अलग अलग जगहों पर जाएं, एक साथ मिलकर चार धाम जाना बेहतर होगा, इसलिए हमने चार धाम जाने का फैसला किया। लेकिन जून 2013 में मॉनसून जल्दी आ गया और मौसम की अजीबोगरीब स्थितियों की वजह से मामला और पेचीदा हो गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर आनंद शर्मा इस बदलाव को लेकर बहुत चिंता में थे। हुआ यह था कि एक लो प्रेशर एरिया बन गया था
उसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी पैदा हो गया था और ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने लगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैदा होती है कैस्पियन सी के ब्लैक एरिया में और वहां से ये मॉइस्चर को लेकर आगे बढ़ती है, और जब ये अरब सागर के ऊपर पहुंची तो इसने अरब सागर से भी मॉइस्चर को ले लिया। तो कहने का मतलब यह है कि इस सिस्टम ने अरब सागर से भी मॉइस्चर को लिया और साथ ही बंगाल की खाड़ी से चलने वाला साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पूर्वी राजस्थान तक पहुंच गया था उसने भी अरब सागर से नमी ले ली। तो इस जगह पर काफी ज्यादा नमी जमा हो गई और उसके बाद इन दोनों सिस्टम्स का इंटरैक्शन हुआ, और जब ये इंटरैक्शन हुआ तो इस सिस्टम ने अपना सारा का सारा मॉइस्चर हिमालय के हवाले कर दिया। और आमतौर पर जब ये राइट एंगल पर हमला करता है तो सारी की सारी नमी यमुना और गंगा के कछार इलाकों में पहुंच जाती है। 16 जून की सुबह तक भारी बारिश होते हुए 2 दिन बीत गए थे, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई थी। ऐश्वर्या और उनके परिवार ने मंदिर में अपनी पूजा अर्चना खत्म की और अपने गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े, जो मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर था। मंदिर के दर्शन करने वाला एक और परिवार अमित अग्रवाल का था। अमित राजस्थान के बूंदी से 8 लोगों के एक ग्रुप के साथ आए थे, जिसमें उनके परिवार के 4 सदस्य थे। इनमें उनकी पत्नी, 12 साल की बेटी और 7 साल का बेटा था। उस वक्त तक हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन साथ में उत्तर से